जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति चढ़ा पुलिस के हत्थे, थाना चापा की कार्रवाई। आरोपियों के विरुद्ध थाना चापा में अपराध क्रमांक 229/22 धारा 498 ए 34 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध। प्रकरण के फरार अन्य आरोपियों की पता तलाश जारी। आरोपी पति को दिनांक 3/6/2022 को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। प्रार्थिया ने चापा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी शादी वर्ष 2016 में मनोज सेन निवासी दुर्ग के साथ हुई थी। शादी के एक वर्ष बाद इसके पति एवं अन्य लोगों द्वारा दहेज में 3 लाख रुपए एवं सोने चांदी का जेवर नहीं लाई हो कहकर प्रताड़ित करने लगे एवं प्रार्थिया के पति द्वारा मारपीट कर वर्ष 2018 में मायका चापा पहुंचा दिए। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना चापा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 229/22 धारा 498 ए 34 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण महिला अपराध से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी पति के उसके घर में रहने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना चापा से टीम रवाना कर आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी पति मनोज कुमार सेन निवासी लुचकीपारा दुर्ग को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार करने पर दिनांक 3/6/2022 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जायसवाल, आरक्षक माखन साहू एवं ईश्वरीय राठौर का सराहनीय योगदान रहा। छत्तीसगढ़ जानकी नौकर राज्य भट्ट से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।